दोस्तों, जैसा कि हमने लोकी के पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में लोकी के दूसरे वेरिएंट के बारे में जो डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, यानी दूसरे एपिसोड के बारे में। तो बिना समय गंवाए चलिए खेला शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि कुछ टीवीएस सोल्जर्स यानी मिनट्समैन 1985 के टाइमलाइन में ऑशकॉस नाम की जगह पर लोकी के दूसरे वेरिएंट को खोज रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। यहां एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो टाइम रिसेट चार्जर को चुरा रहा है, लेकिन किस लिए और क्यों ये नहीं पता। अगले सीन में हमें लोकी के दूसरे वेरिएंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे अभी तक लेडी लोकी कहा जा रहा था। उसका नाम सिल्वी लॉस्टन AKA द एंचेंट्रेस है, जिसे ब्रिटिश एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो ने प्ले किया है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग रैग्नारॉक के बाद जब एस्गार्ड वाले ओक्लाहोमा में बसने आए थे, तब सिल्वी को यह पावर्स खुद लोकी ने ही दी थी। अब उसने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे का रीजन काफी फनी है और सेटिस्फाइंग भी नहीं लगता है। यहाँ कुछ फैन थ्योरीज यह कहती हैं कि हो सकता है कि वो खुद लोकी ही हो जो किसी दूसरे टाइमलाइन में रहता हो, क्योंकि उसका जेंडर भी फ्लूइड है, यानी वो कोई भी किसी का भी रूप ले सकता है। तो हो सकता है कि इस फीमेल वेरिएंट की अपनी खुद की एक दुनिया हो, अपना खुद का एक टाइमलाइन हो, जिसका लोकी से कोई कनेक्शन ना हो। यहाँ एक कन्वर्सेशन से यह बात तो साफ हो जाती है कि लोकी उसे पहले से जानता है। एपिसोड के आखिर में जब सिल्वी सेक्रेट टाइमलाइन को चोरी किए हुए रिसेट चार्जर से उड़ाती है, तो टाइमलाइन की बहुत सी ब्रांचेस खुलती चली जाती हैं, और ये जितने भी नए ब्रांचेस खुलते गए हैं उनका फेज फोर से डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और नो वे होम शामिल है। अब चलिए जल्दी से इसके हिडन एलिमेंट्स और फैक्ट्स पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक सीन में हमें लोकी के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रॉस्ट जायंट लोकी, सिसिलिस्ट लोकी, हल्क लोकी, ट्रिक्स्टर लोकी और वाइकिंग्स लोकी। लास्ट के तीन लोकी को डायरेक्ट कॉमिक से लिया गया है। इस एपिसोड में जो हमें टीवीए का ग्रैंड डिजाइन ऑफिस देखने को मिला है, दरअसल वो असली जगह है। उसका नाम द अटलांटा मैरियट मर्क्यूस है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अटलांटा में है। यूएस की 15वीं हाईएस्ट बिल्डिंग में से एक इस 52 मंजिला एरोडायनामिक बिल्डिंग को प्रेग्नेंट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह बिल्डिंग इससे पहले भी कई सारी MCU प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी है। इसमें आपको हेक्सागोनल शेप का रेफरेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो हमें वांडा विजन सीरीज के लगभग हर एक एपिसोड में देखने को मिला था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हेक्सागोनल शेप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उस पर हम अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। एक सीन में हमें अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का रेफरेंस भी देखने को मिला है, उनके हाई स्कूल के पेन के रूप में। हालांकि ये रेफरेंस पूरी तरह से क्लूलेस और सेंसलेस था। आपको बता दें, इससे पहले भी फ्रैंकलिन मार्वल कॉमिक्स में नजर आ चुके हैं, जहां पर उन्होंने ही कैप्टन अमेरिका को उसका शील्ड दिया था। अब देखना यह है कि MCU में उनकी एंट्री कब होती है। जब लोकी रैग्नारॉक वाली इवेंट्स की फाइल को पढ़ रहा होता है, तो उसमें हमें रिवेंजर्स कोड नेम देखने को मिलता है। और अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दें कि थॉर रैग्नारॉक में थॉर, वल्कैरी, लोकी और हल्क की टीम को रिवेंजर्स कहा गया था। अगले सीन में जब लोकी अपने दूसरे वेरिएंट सिल्वी से लड़ता है, तो लड़ते वक्त वो सेम उसी पोजीशन में गिरता है जिस पोजीशन में वो थॉर रैग्नारॉक में गिरा था, लगभग आधे घंटे तक। बेचारे की कितनी गिरी हुई किस्मत है। एक सीन में द ब्रांचिंग टाइमलाइन में बहुत सारे टाइमलाइंस का रिकॉर्ड देखने को मिलता है, जिसमें वॉरमीर, एसगार्ड, जेंडार, ईगो, टाइटन और भी बहुत सारे थे। ये कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड थी। तो इस बात की गारंटी काफी ज्यादा है कि हमें फिर से ये प्लैनेट्स देखने को मिलने वाले हैं। जब एजेंट मोबियस और लोकी एलिवेटर से नीचे आते हैं, तो एलिवेटर 372वें लेवल पर आकर रुकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नंबर को इतना हाईलाइट क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीवीए को सबसे पहली बार दी माइटी थॉर वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 372 में ही दिखाया गया था। आखिरी सीक्वेंस में जब लोकी, एजेंट मोबियस और मिनट्समैन लोकी के दूसरे वेरिएंट को पकड़ने के लिए 2050 के टाइमलाइन में अलबामा नाम की जगह पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि वो दूसरा वेरिएंट एपोकलिप्टिक इवेंट्स में ही छिपता है। खोजते खोजते वो रॉक्सकार्ट के पार्किंग यार्ड में जाते हैं। थीरोक्सोन कॉरपोरेशन एक तेल की कंपनी है, जिसका रेफरेंस हमें इसके पहले आयरन मैन 3 और एजेंट्स ऑफ शील्ड में देख चुके हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि लोकी की फीमेल वेरिएंट सिल्वी
एक टाइम पोर्टल में चली जाती है और जैसे ही टीवीए वाले लोकी के पास आते हैं वो भी उसी के पीछे पोर्टल में चला जाता है। अब वो दोनों कहाँ गए, किस टाइमलाइन में गए, इसके बारे में हम आपको तीसरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। तो हमारा आज का यह एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं तीसरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। जय हिंद, जय श्री राम।